हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लेके आया हूँ महिंद्रा की, जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा की थार। ऐसी थार आपने बहुत कुछ देखी होगी, बट ये थार थोड़ी हटके है। इसमें है कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ यूनिक चीजें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम बात करने वाले तो महिंद्रा थार कर लेते हैं इसके की के बारे में। की नॉर्मल है, जैसी महिंद्रा की मिलती है उसी टाइप की है। ये लॉक वगैरह है, यहाँ पे देखो लॉक का स्विच है, ये फॉलो मी हेडलैम्प अनलॉक का स्विच है। बस इससे ज्यादा इस स्विच में कुछ नहीं दिया है। बट ये जो थार है इसमें आप मॉडिफिकेशन गिनते, जैसे दिखाऊं तो जो बम्पर प्लास्टिक का था, बम्पर प्लास्टिक का नहीं, फुल मेटल है ये। अगर इस पे ऐसा खड़े भी हो जाओ तो भी कुछ दिक्कत नहीं, आपको भी खड़े होके भी दिखाऊंगा। उसी के बाद में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर साइड में कितना मस्त ओवरलैंड का ऊपर में लगेज गियर भी लगा हुआ है। एकदम बहुत बेहतरीन लुक दे रहा है, एकदम बल्कि लुक दे रहा है थार को। साथ ही में सत्यमी जयते का यहाँ गई है। ये तो बात हो गई इसके एक्सटीरियर की कि कैसी दिखती है थार और क्या क्या मॉडिफिकेशंस की गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके इंजन की और साथ ही में डिग्गी की। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके इंटीरियर में। कर लेता हूं मैं साइड की। तो यहाँ पे देखो हल्का सा रेड टचअप में दिया गया गाड़ी में, हर जगह में ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन फुल दिया गया। अगर मैं आपको नीचे साइड की बात दिखाऊं, जो इंजन प्लेट लगी होती है ये भी फुल देखो मेटल की है और पूरी फुल रेड मेटल वाली है। यानी गाड़ी में रेड ब्लैक का टचअप फुल दिया गया है। अब थोड़ी जैसे ही मैं आगे आऊंगा तो यहाँ पे देख रहे होगे आप थार यहाँ पे नॉर्मल आता है लेकिन यहाँ पे रेड कराया गया है। उसी के बाद में आप बोल रहे होगे ये क्या चीज है, ऐसे नीचे करते हैं और ये सब पैर रख के ऊपर चढ़ना है। तो देखो मैं आपको चढ़ के दिखा रहा हूँ, एक बार ऐसे रखे ये पैर रख के आप ऊपर आसानी से चढ़ सकते हो, इसलिए दिया गया है। अगर मैं इसकी कैपेबिलिटी की बात करूँ तो बहुत हैवी और मेटल का बना हुआ है ये। अब देखो जैसी अब बात हो रही है पूरी मॉडिफिकेशंस की, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक यूनिक चीज। जी हाँ दोस्तों, एक यूनिक चीज। अब आप सोच रहे होगे इस चीज ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, आपको मैं बोनट खोल के भी दिखाऊंगा। ये फुल टू वर्किंग है। इसमें से अगर फायदा ये होता है, जब अगर गाड़ी पानी में जा रही है तो डायरेक्ट इसको यानी सांस लेना, जहां से अपन गाड़ी सांस लेती है अपनी, सेम वो है। जी हाँ दोस्तों, एयर इंटेक पाइप उसी को बोलते हैं। गाड़ी सांस लेती है इससे, डायरेक्ट फिल्टर में जाती है इसकी एयर्स वगैरह। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके टायर साइज साथ ही में अलॉय के। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ टायर साइज की तो देखो यहाँ पे C8 की बेजिंग है, साथ ही में 255/65R 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ में टायर आते हैं, जो कि ओरिजिनल कंपनी फिटेड है जैसा आपको स्टेपनी में दिखाया था। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट ब्रेक की, तो देखो यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया गया है। गाड़ी है लेकिन ये थोड़ा सा इसको डिजाइन थोड़ा सा डल लगता है यार, थोड़ा सा यूनिक करना था थोड़ा महिंद्रा को, बट कोई ना, फिर भी लुक बहुत प्यारा दे रही है। उसी के साथ में यहाँ पे मिल जाता है हमें क्रोम फिनिश। जी हाँ दोस्तों, क्रोम फिनिश रेड ब्लैक साथ ही में क्रोम, कितना प्यारा ही लग रहा है, आप देख सकते होगे वीडियो में। यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी क्रोम फिनिश मिल जाती है, जो कि रेन वाइजर के साथ में लगा हुआ है। रेन वाइजर डोर वाइजर दोनों ही बोलते हैं, अपनी अपनी चॉइस क्या हमें बोलना है। साथ ही में डोर हैंडल नॉर्मल है, महिंद्रा की देसी गाड़ी तो देसी तरीके तो अपनाएगी। अब मेन थार को भाई सबसे पहली चीज 4x4। जी हाँ दोस्तों, ये है थार 4x4। अभी वाली थार नहीं है जो 4x2 आ रही है, 500-600 दी और 4x4 बना लिए, ये वैसी थार नहीं है। उसके बाद में जैसे ही आप बैक साइड में आओगे तो सबसे अच्छी चीज भाई पूरा देखो 4x4 का और पहाड़ के डिजाइन के साथ में, देखो कितना बल्कि लुक के साथ में लग रहा है टायर का गार्ड। आप एक बार पीछे साइड से लुक देखो कितना ही एकदम। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ तो चलो हाथ लगे एक चीज और बता भी देता हूँ, इसका टायर साइज। जी हाँ दोस्तों, टायर साइज देखो 255/65R 18 इंच का अलॉय व्हील के साथ में आता है इसका टायर, जो कि स्टेपनी में C8 का यूज किया गया, ये कंपनी फिटेड है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं थोड़े से फ्रंट साइज की, थोड़े से क्या पूरी बात करेंगे यार। देखो यहाँ पे जैसा आपको बताया था ये हार्ड है बम्पर, यहाँ पे हमें फॉग लाइट देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। अगर उसके थोड़ी आगे में जाओ तो यहाँ पे हमें मिलता है टो हुक, सीधे लैंग्वेज में बोलूँ तो टोचन का। अगर कभी दूसरी गाड़ी को टो करके लेना है तो आप इससे आसानी से टो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर मिल जाते हैं, साथ ही में यहाँ पे हमें लाइट हेलोजन आती है, बट इसमें LED लगाई गई है जो कि रात के समय काफ़ी अच्छा उजाला देती है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन चीज जो कि रहने वाला है इसका इंजन। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि बोनेट कैसे ओपन करते हैं। टो हुक दिया गया, इससे आप डायरेक्टली ऐसे ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, ये अभी नहीं उठेगा, अब आपको चलना है इधर साइड में, जो कि ड्राइवर साइड में जैसे नॉर्मली गाड़ियों में उठाते हैं। आपको देखो यहाँ पे एक टू हुक दिखेगा, इसको आपको बस खींचना है, गाड़ी का बोनट ओपन हो जाएगा। तो भाई साहब आपको दिखाते हैं बोनट खोल के, देखो अरे भाई क्या ही हेवी है यार, बहुत ज्यादा हेवी है भाई। ऐसी रेटिंग नहीं मिली है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी है। अब देख रहे होंगे आप इंजन इसका, एमॉक इंजन दी गई इंजन में, बट बूट में कोई भी कवर अप नहीं दिया गया। एक चीज और,
यहाँ पे देखो अंदर गाड़ी धुलने से मना किया गया है डायरेक्ट प्रेशर से, नॉर्मली ठीक है लेकिन प्रेशर से नहीं। इसी नई डिजाइन में अच्छा खासा प्लेसमेंट है और अच्छा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे कवर अप दिया गया जो कि अच्छी चीज है। यहाँ पे एमेरॉन की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही में यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं फ्यूज दिया गया है, ये ओपन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मिलता है हमें हॉर्न जो कि काफी अच्छा लगा है मुझे। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं थार के अंदर में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डोर की। तो आप देखो यहाँ पे सिल्वर फिनिश में थार कितना प्यारा जच रहा है, उसी के साथ में मिरर के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। देखो थार कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। साथ ही में मिरर के कंट्रोल्स, यहाँ पे लॉक अनलॉक का भी ऑप्शन है और यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसा खींच सकते हैं और बंद कर सकते हैं। यहाँ पे एक लीटर की बॉटल आराम से प्लेस की जा सकती है, साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एसी वेंट की। तो भाई देखो इतना ग्लॉसी फिनिश में जो टचअप दे रहा है ना इंटीरियर में, बहुत प्यारा टचअप दे रहा है यार, बहुत ही। देखो इसको ऐसा साइड भी कर सकते हैं, इसका पूरा ग्लॉसी फिनिश के साथ में जो अंदर इस सिल्वर फिनिश का टचअप है ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब यदि बात करूं मैं नीचे की, तो यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ ऑन के और यहाँ पे हील असिस्ट के भी ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही में यहाँ लाइट एडजस्टिंग के भी ऑप्शन है, कुछ कुछ स्विचेस भी दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इधर साइड में, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे अपर डिपर और साथ ही में इंडिकेटर्स की भी ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की, यदि कंट्रोल्स के भी ऑप्शंस दिए गए हैं, साथ ही में यहाँ पे सेट करने का और यहाँ पे माइक वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया और यहाँ पे रीसेट का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि ये लगा के थोड़ा सा यूज करना उतना पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। साथ ही में यहाँ पे हमें एयरबैग की प्लेसमेंट भी दी गई है और साथ ही में यहाँ महिंद्रा का लोगो बहुत अच्छा सिल्वर फिनिश में लग रहा है। अब बात कर लेते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम के कंट्रोल्स, म्यूट कॉल एंड कनेक्ट के ऑप्शंस और एसआरएस के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट साइड की। फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें फुल ऑटोमेटिक साथ ही में वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आते लेकिन इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें लो मीडियम हाई मिस्ट वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात जो कि इस थार और जिसलिए थार पॉपुलर है वो मेन चीज आपको दिखा दूं, देखो डाउन साइड में यहाँ पे मिलता है फोर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, फोर लो, फोर हाई, टू हाई, सभी के ऑप्शंस मिल जाते हैं इस गियर नॉब में। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से थार प्रसिद्ध मानी जाती है बहुत हद तक। और साथ ही में यहाँ पे हमें सिक्स गियर भी मिलते हैं और रिवर्स, इसमें अगर मैं बात करूँ रिवर्स कैसे लगता है तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं क्लियरली दिखाऊं, इसको ऐसे करके ये रिवर्स लग जाता है, ये ऐसे लगाऊंगे तो फर्स्ट गियर ही लगेगा। अब बात करते हैं जैसे आपको मैं बताया एसी वेंट सेम उसी साइज में, इधर भी एसी वेंट और अच्छे लग रहे हैं पूरा, आपको इंटीरियर का लुक बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। उसी के बाद में अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये फैंस के कंट्रोल है, यहाँ पे एसी के कंट्रोल है, यहाँ पे हमें एसी के फुल कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ ही में यहाँ पे हीटर्स के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें पहले स्टार्ट करना होगा इसकी स्विच। एंड जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ म्यूजिक का ऑप्शन है, मैंने म्यूट करके रखा हुआ है म्यूजिक को। यहाँ पे ऑन ऑफ की भी स्विच दी गई है, यहाँ पे साथ ही में वॉल्यूम के भी कंट्रोल दिया गया है। गाने को म्यूट करते हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे कॉल्स की स्विच है, यहाँ पे सब इसी के कंट्रोल्स है। डिस्प्ले ऑफ का है ये कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए है, कितना टायर मॉनिटरिंग प्रेशर कितना है कौन से टायर में। साथ ही में यहाँ पे कनेक्टिविटी वगैरह के पूरे फंक्शंस दिए गए हैं, ये होम में आ जाते हैं अपन। उसी के बाद में अगर मैं नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे एयरबैग ऑन ऑफ के भी ऑप्शंस दिए गए हैं, साथ ही में ये हैजार्ड लाइट के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स बात करते थोड़े ही साइड में, तो यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिलेगा 12 वोल्ट का सॉकेट, साथ ही में यहाँ पे दो यूएसबी सॉकेट और एक ऑक्स के भी सॉकेट मिलते हैं, साथ ही में कुछ स्पेस भी है जहाँ पे आप कोई नहीं अपना फोन आसानी से रख सकते हैं। आपको मैं अपना फोन रख के दिखा देता हूँ। अब बात करते इसके साइड से यानी सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दो पावर विंडो जो कि दोनों ग्लासेस के लिए, डोर पे इसके लिए नहीं दिया क्योंकि पानी आता है तो खराब हो जाती है। ये जो है इसको भाई आर्म रेस्ट या हैंड रेस्ट जो भी बोले इसको आफ्टर मार्केट लगाया गया है, साथ ही में हैंड ब्रेक की भी प्लेसमेंट दी गई है जो कि फुल्ली डाउन और अप वगैरह कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे कॉइन्स वगैरह के लिए है, थोड़ा सा कप वगैरह रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ डैशबोर्ड की तो फुल्ली प्लास्टिक है ये, इसमें कोई भी सॉफ्ट मटेरियल वगैरह नहीं है। यहाँ पे एयरबैग की बेजिंग, साथ ही में अगर कोई ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये ग्रैब हैंडल वहाँ पकड़ने के लिए दिया गया है।
यहाँ पे देखोगे मेड इन इंडिया विद प्राइड, यहाँ पे आसानी से हिल और थार आप देख सकते हैं, और वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी जो कि है मिरर में रहने वाली है, ये रेगिस्तान टाइप का है डिस्प्ले, और साथ ही में थार है जो कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए अच्छी है। यहाँ पे परफ्यूम्स है, इसको तो चलो माइंड नहीं करते उतना। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी स्पेस मिलती है। जैसे आप नीचे में देखो छोटा सा यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे हमें स्पीकर देखने को मिलता है और यहाँ पे थार की बेजिंग। अब बात करते हैं इसमें सॉफ्ट टॉप की। देखो स्पीकर है, ज्यादा कुछ नहीं है। इनसाइड इसके लिए पानी वानी आता है, ऐसे भी वाटर आता ही है यार, कितनी ऑफ रोडिंग कर लो पानी आता ही है। अब बात करते हैं इसके सॉफ्ट टॉप की, तो अच्छा है, हेवी है थोड़ा, ज्यादा भी एकदम ये नहीं है कि सॉफ्ट हो, ऐसा कुछ नहीं, हेवी है थोड़ा। यहाँ पे मिल जाते हैं हमें स्पीकर के प्लेसमेंट, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ पे एक स्पीकर ये रहा, एक स्पीकर इस साइड में है, और यहाँ पे दो ट्विटर्स की प्लेसमेंट है। ट्विटर के प्लेसमेंट के साथ ही में यहाँ पे हमें मिल जाते हैं लाइट्स के कंट्रोल, जी हाँ दोस्तों, जो कि डोर और ऑटोमेटिक ऑन वगैरह का है। ऑटोमेटिक ऑन है ना, स्विच से ही ऑन, डोर का भी ये ऑप्शंस है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके बैक साइड में। अब आपको मैं बताऊंगा बैक साइड कैसे जाते हैं। जाने के लिए देखो इसको आपको सबसे पहले उठाना होगा और इसको ऐसा डाउन करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन ये भी है, इसको आप ऐसा पूरा सुला के सामने कर सकते हो। सेकंड चीज, यहाँ पे एक हैंडल दी गई है, ये देखो ऐसा पकड़ के, आप पकड़ने के बाद में अगर मैं पैर साइड में दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही बैक में आऊंगे यहाँ पे ऑफ रोडिंग करते समय अगर चार पर्सन अंदर में, तो उनके लिए पकड़ने के लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे प्लास्टिक है बट ये थोड़ा मेटल है, मेटल थोड़ा नहीं पूरा ही हेवी मेटल है। अब बात करते हैं इस साइड में, तो देखो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट देखने को नहीं मिलते, बल्कि यूएसबी चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ थोड़े से कॉइन वगैरह की भी स्पेस है। अब बात कर लेते हैं बैक साइड में, थोड़ा सा सामान मोबाइल वोबाइल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करो इसके सीट कवर की, तो भाई व्हाइट है, गंदे तो ऑब्वियसली होना ही है, थोड़े अच्छे हैं, कंफर्टेबल है, उतना ये भी नहीं है कि यार अनकंफर्टेबल था, ऐसा कुछ नहीं, कंफर्टेबल है। उसके बाद में सेम इसी साइड में भी सेम चीज है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ एक चीज बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगी इस साइड भी, और ये देखो इस साइड भी आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगी, साथ ही में फ्रंट पैसेंजर के लिए। अब जो कि मेन चीज है कि थार में जो चौथा पर्सन बनेगा उसको स्पेस कैसी मिलती है, भाई देखो मेरी 5-6 हाइट है, और उसके बाद में भी देखो कम से कम फिर भी 5 इंच के आसपास की स्पेस, 5 इंच के आसपास की स्पेस पर्याप्त है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट साइड के सीट की, तो सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है, देखो उसके बाद भी काफी हद तक स्पेस है, हाँ 3 इंच के आसपास लेग स्पेस है और है कंफर्टेबल। भाई थोड़ी सी आगे हटेगी ये, इसको मैं आपको फ्रंट देख लो कितनी स्पेस मिल जाती है, अब तो 4-5 इंच हो गया और आराम से कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं, ऐसा हाथ रखो आराम से। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपन बैक साइड में, चलते हैं अपन डिग्गी ओपन करने की। देखो सबसे पहले डिग्गी ओपन कैसे होती बताता हूं, इसको आप हैंडल को खींचोगे ये पूरा चल जाएगा, इसमें हाइड्रोलिक के ऑप्शंस नहीं है, खाली बेल्ट है। अब बात करते हैं ग्लास की, तो ग्लास में हमें हाइड्रोलिक देखने को मिलता है, देखो हल्का सा टच किया ग्लास पूरा ऊपर, डिग्गी में स्पेस ज्यादा नहीं है, यहाँ पे बेस आई है, बेस ट्यूब आई है तो ऐसी खत्म हो गई स्पेस, थोड़ी सी बस लगेज की स्पेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें स्टॉप लाइट देखने को मिल जाता है बस। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ ओपन करने का। अब सबसे पहली चीज जो हर कोई तो गलती नहीं करता, लेकिन 50-60% ये गलती हर किसी से हो सकती है, खोलना तो आपको सिखा दिया, बंद करने में क्या होता है कई लोग सबसे पहले डिग्गी बंद करते हैं उसके बाद में ग्लास बंद करते, देखो बंद नहीं होगा, अगर धोखे से स्पीड से करें तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज जैसा हम ओपन कर रहे थे, सबसे पहले ग्लास बंद होगा उसके बाद में डिग्गी बंद होगी,